वायदा कारोबार के बैन में है आइडिया और यह है 7% कमजोर, क्योंकि पोजीशंस आप रोल ओवर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी तेजी की पोजीशन हो या फिर मंदी की। जाहिर सी बात है कि ज्यादा पोजीशन तेजी की है, तो ऐसे में बंसल जी, जिन लोगों को डिलीवरी के लिहाज से खरीदना है, क्या उनके लिए अच्छा मौका है कि आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन बैन में होने की वजह से गिर रहा है, और यदि हाँ तो क्या सही लेवल है खरीदारी करने के लिए आज से? देखिए अनिल जी, नीचे में अब जो नेक्स्ट एक अहम सपोर्ट आता है, एक सपोर्ट तो ये स्टॉक तोड़ चुका है, 9.90 रुपीज का सपोर्ट तोड़ चुका है। अब जो नेक्स्ट एक अहम सपोर्ट आता है वो आता है 8.52 रुपए, 8.52 रुपीज के अराउंड आता है। तो इन स्तरों पे अगर कोई बाय करता है तो अनदर 50-55 पैसे का रिस्क है, तो इन्हीं स्तरों पे 9 रुपीज के अराउंड खरीदारी की राय होगी। ओके, तो वोडाफोन आइडिया पर रखिए नजर, 9 के स्तरों पर आते हुए दिख रहा है। आज वायदा कारोबार के बैन में है बट एक्सपायरी के बाद नहीं रहेगा, तो कल देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा, पर आज काफी कमजोरी ये काउंटर आपको दिखा रहा है। वायदा कारोबार के बैन में है आइडिया और ये है 7% कमजोर, क्योंकि पोजीशंस आप रोल ओवर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी तेजी की पोजीशन हो या फिर मंदी की। जाहिर सी बात है कि ज्यादा पोजीशन तेजी की है, तो ऐसे में बंसल जी, जिन लोगों को डिलीवरी के लिहाज से खरीदना है, क्या उनके लिए अच्छा मौका है कि आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन बैन में होने की वजह से गिर रहा है, और यदि हाँ तो क्या सही लेवल है खरीदारी करने के लिए आज से? देखिए अनिल जी, नीचे में अब जो नेक्स्ट एक अहम सपोर्ट आता है, एक सपोर्ट तो ये स्टॉक तोड़ चुका है, 9.90 रुपीज का सपोर्ट तोड़ चुका है। अब जो नेक्स्ट एक अहम सपोर्ट आता है वो आता है 8.52 रुपए, 8.52 रुपीज के अराउंड आता है। तो इन स्तरों पे अगर कोई बाय करता है तो अनदर 50-55 पैसे का रिस्क है, तो इन्हीं स्तरों पे 9 रुपीज के अराउंड खरीदारी की राय होगी। ओके, तो वोडाफोन आइडिया पर रखिए नजर, 9 के स्तरों पर आते हुए दिख रहा है। आज वायदा कारोबार के बैन में है बट एक्सपायरी के बाद नहीं रहेगा, तो कल देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा, पर आज काफी कमजोरी ये काउंटर आपको दिखा रहा है।